नमस्कार, ये है स्पोर्ट्स की बात। मैं हूं तुषार उप्रेती। तो हॉकी की एशियन चैंपियनशिप में भारत को जापान ने हरा दिया है 5-3 से। तो पहले क्वार्टर में, दूसरे क्वार्टर में, तीसरे क्वार्टर में 5 गोल से पिछड़ते हुए भारत को इस मैच में कमबैक का अगर कहूं तो मौका मिला, वो मिला चौथे क्वार्टर में। चौथे क्वार्टर में भारत ने वो खेल दिखाया जिसके लिए वो जाना जाता है, लेकिन फिर भी खिलाड़ियों की मशक्कत मेहनत कम पड़ गई। इस पूरे टूर्नामेंट में अभी तक भारत नंबर 1 टीम थी, यानी कि एक भी मुकाबला वो नहीं हारी थी, सिर्फ एक मुकाबला उन्होंने ड्रॉ किया है और 10 पॉइंट्स के साथ इसकी चैंपियन टीम बनने की प्रबल दावेदार थी, जिस पर फिलहाल जापान ने पूरी तरह से पानी फेर दिया है। अब भारत का मुकाबला कल होना है पाकिस्तान के साथ, जिसे भारत राउंड रॉबिन फॉर्मेट जो है, यानी कि हर टीम को हर टीम के साथ खेलना होता है, पहले भी इस चैंपियनशिप में हरा चुका है। तो ब्रॉन्ज मेडल के लिए ये मुकाबला होना है और कांटे की टक्कर होने वाली है। फिलहाल की ताजा खबर ये कि भारत हार चुका है जापान से और अब ब्रॉन्ज मेडल के लिए पाकिस्तान से उसका मुकाबला होगा एशियन हॉकी चैंपियनशिप के लिए। ये वही जापान है जिसे टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 5-3 से खदेड़ा था और आज एक तरह से उन्होंने बदला लिया। तो यह स्पोर्ट्स की बात और उम्मीद यही है कि भारत पाकिस्तान का कल जो मुकाबला होना है बहुत ही लाजवाब होगा। मैं हूं तुषार उप्रेती। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।